नमस्कार, मेरा नाम है सुधीर कोवे और मैं एक साइंटिफिक लोगो डिजाइनर और एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है 5 मिस्टेक्स विच यू मस्ट नॉट डू फॉर बेटर ग्रोथ इन योर कंपनी। 5 ऐसी तरीके जो अगर आपने लोगो डिजाइनिंग में यूज किए तो हो सकता है आपको बहुत बड़ा चैलेंज। तो आइए सीखते हैं 5 मिस्टेक्स ऑफ डिजाइनिंग अ साइंटिफिक लोगो। नंबर 1, अगर आप एक नए एंटरप्रेन्योर अपने अभी अभी कंपनी चालू किए, ब्रांड न्यू ऑर्गेनाइजेशन आप चला रहे हो, ऐसे में व्हाइट कलर अगर आपने अपने लोगो में यूज किया तो आपको बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आप देखिए, जितनी भी कंपनीज जिन्होंने स्क्रैच से चालू किया, उनका कोई भी बैकग्राउंड नहीं था, किसी भी तरह का अनुभव उनको नहीं था, ऐसे लोगों ने जब व्हाइट कलर अपने लोगो में यूज किया तो उनको बहुत बड़ा लॉस हुआ है, उनको ग्रोथ उतनी नहीं हुई और बहुत बड़ी चैलेंजेस का सामना उनको करना पड़ा है। नंबर 2, अगर आप बिल्कुल भी नए हो, अगर आपको अनुभव की कमी है, अगर आपने इस फील्ड में काम नहीं किया है तो आपने अवॉइड करना चाहिए कलर ब्लैक। हाल फिलहाल का एग्जांपल है फ्रंट रो, जहाँ पे उन्होंने ब्लैक कलर का इस्तेमाल किया था, उस कंपनी को बंद होना पड़ा। सिमिलरली, जब भी आप एकदम ब्रांड न्यू शुरुआत कर रहे हो, किसी भी तरह का बैकग्राउंड नहीं है, किसी भी तरह का रिसर्च नहीं है, किसी भी तरह का आपका मार्केट में कुछ होल्ड या शेयर नहीं है, ऐसे में ब्लैक कलर भी अपने कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि शुरुआत में ब्लैक कलर काफ़ी डेंजरस होता है। मिस्टेक नंबर 3, अवॉइड यूजिंग द कलर रेड। जी हाँ दोस्त, अगर आप मार्केट में बहुत सस्टेनेबल बिजनेस करना चाहते हो, मार्केट में ग्रो करना चाहते हो और शांति की नींद भी चाहते हो, कम्फर्ट चाहते हो, तो ऐसे में रेड कलर आपने कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए। रेड कलर का इस्तेमाल करने से आपको बहुत बड़ी अशांति, बहुत बड़ा चैलेंजेस, बहुत बड़ा एक्शन पिक्चर में लाना पड़ेगा, हमेशा मेहनत करते हुए दिखना पड़ेगा और ऐसे में आपको कभी भी सुकून या शांति की नींद नहीं आएगी। इसलिए रेड कलर भी आपने अपने लोगो में कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए। ये शुरुआत की बात मैं कर रहा हूँ। मिस्टेक नंबर 4, यूजिंग प्लेंटी ऑफ एंगल्स इन द लोगो। कई बार मेरे पास बहुत सारे लोगोज एनालिसिस करने के लिए आते हैं, कई सारे लोग खुद का लोगो बनाते हैं, हमारे पास वो टेस्टिंग के लिए भेजते हैं और मैं देखता हूँ कि लोग एंगल्स के साथ बहुत बड़ा लव रिलेशनशिप रखते हैं, मतलब बहुत सारे एंगल्स। कई लोग तो श्रीयंत्र का ही लोगो बना के मुझको भेज देते हैं। अब आप सभी को पता है कि श्रीयंत्र में कितने सारे एंगल्स हैं, ट्रायंगल्स, स्क्वायर्स और एंगल्स, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन एंगल्स आपकी लाइफ में हमेशा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेके आते हैं। अगर आपने एंगल यूज़ किए, जैसे आपने देखा होगा कि कई सारी फाइनेंशियल कंपनीज बहुत सारी एंगुलर लोगोज यूज़ करती है, अगर आपने डीएलएफ देखा या सत्यम देखा है, तो सत्यम और डीएलएफ दोनों को लोगों में आपको एंगल्स बहुत ज़्यादा दिखाई देंगे। तो ये एंगल्स उन कंपनियों में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, प्रॉब्लम और चैलेंजेस लेके आते हैं। हाँ, अगर आपको आदत है, आप हैबिचुअल हो और आप अपने प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हो, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग टेंडेंसी को रखते हो, ऐसे में एंगल्स आपके लिए नॉर्मल सी चीज़ है, आप उसको यूज़ कर पाओगे, उसमें ग्रो भी कर पाओगे। लेकिन अगर आप नई नई कंपनी चालू कर रहे हैं तो मैं नहीं चाहूँगा कि आप इतना सारा प्रॉब्लम, चैलेंज और इश्यूज में जाओ। एक एस्टैब्लिशमेंट के बाद अगर आपको लग रहा है कि अब आपने बहुत एनालिटिकल होना चाहिए और प्रॉब्लम को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, तो ऐसी कंडीशन में बहुत सारे एंगल्स अलाउड है। लेकिन कंपनी की शुरुआत में अगर आपने बहुत ज़्यादा एंगल डाल दिए तो हो सकता है कंपनी चालू होने के पहले बंद हो जाए, जो आप अभी स्माइल कर रहे हो वो स्माइल आपकी गायब हो जाए, क्योंकि एंगल्स बहुत ही खतरनाक होते हैं। मिस्टेक नंबर 5, मिस्टेक नंबर 5 है यूजिंग द लोगो इन द सर्कल। अगर आपने किसी भी तरह का बाउंड्री लोगो के ऊपर रखा तो आप एक बाउंड्री में बंध जाते हो, मतलब आपकी ग्रोथ एक लिमिट के बाहर नहीं होती, हमेशा चैलेंजेस, इश्यूज और प्रॉब्लम्स आते हैं, लिमिट के बाहर का आदमी नहीं आता है और हमेशा ग्रोथ के लिए कोई ना कोई बाधाएं उत्पन्न होती रहती। इसीलिए अगर आप एक नए ब्रांड न्यू एंटरप्रेन्योर हो तो आपने अवॉइड करना चाहिए किसी भी लोगों को सर्कल के अंदर या स्क्वायर के अंदर या किसी भी बाउंड्री के अंदर बंद करना, क्योंकि ये आपकी ग्रोथ को लिमिट कर देता है। तो अगर आप चाहते हो अनलिमिटेड ग्रोथ, अगर आप चाहते हो कि आपके पास कोई भी इंसान किसी भी तरह का अपॉर्चुनिटी लेके आए और आपका बाउंड्री लेस ग्रोथ हो, तो आप बिना बाउंड्री का लोगो बनाइए। ये था मिस्टेक नंबर 5। अगर आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी, आपको मज़ा आया, तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। अगर आप ये चीज़ें करते हो तो मैं इसी तरह के मोर वीडियोस बना पाता हूँ, इसी तरह के वीडियोस बनाने में मैं ज़्यादा
एफर्ट डाल पाऊंगा तो ये जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो।